हेलो क्लास थर्ड, वेलकम टू एरुडाइट स्कूल ऑफ लर्निंग। सो नाउ इन लास्ट क्लास वी वर ऑन पेज नंबर 27 डिस्कसिंग दिस एक्सरसाइज 2.3 एंड वी आर डन विद दिस फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमने कर लिया था, ठीक है। उसी में हम बच्चों लास्ट क्वेश्चन जो है, आप चाहें तो सभी मेथड टू से कर सकते हैं, ठीक है, मेथड टू से भी कर सकते हैं, पर लास्ट वाला क्वेश्चन हम मेथड टू से भी करके देखते हैं, ठीक है बच्चों। ये थोड़ी फास्ट मेथड है ना, क्योंकि इसमें पहली बात तो हमें सिर्फ एक ही नंबर को स्प्लिट करना होता है और हमारा काम इजी हो जाता है। तो मैं बच्चों आप चाहता हूँ कि आप जो है माइंड में जितना हो सके इसी तरह से प्लस करें, ताकि आप किसी भी टू डिजिट, एटलीस्ट टू डिजिट नंबर को तो आप माइंड में प्लस कर सकें, ठीक है बच्चों। पहली मेथड में हमने कैसे सॉल्व किया था, हमने दोनों नंबर को स्प्लिट किया था, 88 को 80 प्लस 8 लिखा था, 11 को 10 प्लस 1 लिखा था। ऐसे बात करें इस क्वेश्चन की, तो उसको फर्स्ट मेथड में हमने कैसे किया था, 42 को 40 प्लस 2 और 22 को 20 प्लस 2, फिर 20 में 40 ऐड कर दिया और इस 2 में ये वाला 2 ऐड कर दिया। फर्स्ट वाले नंबर टेंस वाले को साथ में प्लस कर लिया और वंस वालों को साथ में प्लस कर लिया, ऐसे ही किया था मेथड वन में। मेथड टू भी बच्चों आपको नोटबुक में करनी है, आज का क्लास वर्क डेट डाल के, ठीक है। मेथड टू में हम क्या करेंगे, बाय स्प्लिटिंग ओनली वन नंबर, सिर्फ एक ही नंबर को स्प्लिट करेंगे, दोनों को नहीं करेंगे, ठीक है, दोनों को नहीं करेंगे। अब इसकी एक छोटी सी ट्रिक है बच्चों, वो क्या है, वैसे तो हम चाहें तो दोनों में से कोई भी नंबर ले सकते हैं, क्योंकि हमको एक ही नंबर स्प्लिट करना है और बाकी उसके जो बचेगा नंबर उसके आगे से हम काउंटिंग बोल लेंगे, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे एक ट्रिक आपको क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको क्या करना है, इन दोनों में भी जो छोटा नंबर है उसको ले लो, क्यों, ताकि हमको काउंट कम करना पड़ेगा। जब उसके बाद से ही, जब जो नंबर बचेगा जिसको हम स्प्लिट नहीं कर रहे हैं उसके बाद से ही काउंटिंग बोलनी है, तो क्यों ना हम बड़े नंबर को बचा रहने दें, ताकि बड़े वाले के बाद से बोलें, ताकि छोटे वाला तो हमें काउंट कम ही काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह से बच्चों हम पहले ये पता लगाएंगे कि 42 और 22 में छोटा कौन है। तो भाई 22 छोटा है क्योंकि काउंटिंग में 22 पहले आता है, ठीक है। 22 छोटा है तो सिर्फ इसको ही स्प्लिट करेंगे, सिंपली आपको वंस टेंस लिखना है प्लेस वैल्यू चार्ट में, और 22 लिखा हुआ है तो 22 लिख दो, मतलब 22 को ही हम स्प्लिट करेंगे। प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, इसका मतलब क्या होता है, टी तो मतलब 10, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, 2 10 जा 20, ओ का मतलब 1, तो 2 1 जा 2, ठीक है। ये दोनों की प्लेस वैल्यू हो गई, इस 2 की प्लेस वैल्यू 20, इस 2 की प्लेस वैल्यू 2, 20 प्लस 2। बस अब एक बार 42 में 20 को प्लस कर लो और एक बार फिर जो उसमें आएगा 20 प्लस करने पे उसमें क्या प्लस कर लो, 2, तो ये 22 प्लस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आपको माइंड में कैसे करना है, आपको पता है मुझे 42, आपको क्वेश्चन पूछा आपके फ्रेंड ने, बताओ 42 प्लस 22 कितने होते हैं, फटाफट से माइंड में कैलकुलेट करके बताओ, तो आप क्या सोचोगे, 42 तो बड़ा नंबर है, 22 छोटा नंबर है, तो 22 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 20 प्लस 2 क्या होता है, 22 ही तो होता है, तो एक बार तो मैं 20 प्लस कर लेता हूँ 42 में जल्दी से। 20 कैसे प्लस करेंगे, एक लाइन की वैल्यू रख दो 10, तो 10 प्लस करेंगे तो 52, 42 प्लस 10 52 और 52 प्लस 10 62 हो गए, 20 प्लस 52 62, ये तो हमारे 20 प्लस हो गए। 42 में मुझे 20 प्लस करना है तो कैसे करूँगा माइंड में, 42 प्लस 10 52 और 52 प्लस 10 62, ये 20 प्लस हो गए। अब मुझे 62 मेरे पास आ गया है, अब 62 में मुझे क्या प्लस करना है, अब केवल 2 प्लस करना है, ठीक है। तो 2 कैसे प्लस करेंगे, पहले 2 को काउंट कर लो 1 और 2, ठीक है, और काउंटिंग कहाँ से बोलेंगे, 62 के बाद से, फॉरवर्ड काउंटिंग फर्स्ट क्लास में भी आई थी आपके, है ना, जिसमें हम क्या करते हैं बड़े वाले नंबर के बाद से काउंटिंग बोलते हैं, कितनी टाइम्स, जितनी टाइम्स छोटा नंबर होता है, छोटा नंबर क्या है 2, तो 1 2, जितना छोटा नंबर होता है उसी को हम काउंट करते हैं, तो 62 के बाद से काउंटिंग बोलेंगे 63 64, ये हमारा आंसर आ गया। तो माइंड में आप जल्दी से कैसे करोगे, पहले 42 में 20 प्लस कर लो 52 62, और फिर जो पीछे वाला नंबर होता है ना वंस वाला, बस उसी को प्लस करना होता है आपको, 2 को, 62 आया उसमें 2 प्लस कर दिया 64। तो इस तरह से बच्चों आप माइंड में कर सकते हो, ठीक है। बच्चों आज से मैं आपको कुछ टाइम दूंगा ताकि आप पॉज करके और ये जो हमने क्वेश्चन किया है ये आप नोटबुक में कॉपी कर सको, ठीक है, तो आप कॉपी कर सकते हो और चाहो तो इसको वापस रिपीट करके भी आप देख सकते हो, ठीक है, ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। सो बच्चों आपको ये पूरा यहाँ तक कॉपी करना है, आंसर ANS मतलब आंसर, ठीक है। मेथड टू हम कर रहे हैं, मेथड वन उसके आगे डाल देना, मेथड वन जो हमने लास्ट क्लास में किया था, इस क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को, फर्स्ट का ई, ठीक है बच्चों, आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा पॉज करके। नाउ बच्चों अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, यहां पर
एट द फॉलोइंग बाय यूजिंग द हंड्रेड्स चार्ट. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था हंड्रेड्स का चार्ट क्या होता है. ठीक है, जैसे आपने सांप सीढ़ी होती है वैसे ही आपको नोटबुक में भी ये क्वेश्चन लिखना है पहले तो, और फिर ये चार्ट बनाना है वन से लेके हंड्रेड तक का. हो सके तो नए पेज पे बनाना बच्चों सेकंड क्वेश्चन. ठीक है, प्रॉपरली अच्छी राइटिंग में आपको वन से लेके हंड्रेड तक चार्ट बनाना है. कोशिश कीजिएगा आप ऐसे लाइन बाय लाइन लिखो, पहले कॉलम्स बना लीजिएगा आप ऐसे स्केल्स और पेंसिल का यूज़ करके. ठीक है, 10 कॉलम्स बनाने हैं आपको, 10 वर्टिकल कॉलम्स और 10 हॉरिजॉन्टल कॉलम्स. ठीक है बच्चों, इसके अलावा दो टर्म्स आपको बच्चों अच्छी तरह पता होनी चाहिए. वर्टिकल की जब हम बात करते हैं, वर्टिकल का मतलब अगर मैं बात करूँ वर्टिकल लाइन, अगर मैं आपको कहूँ वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो तो आप कैसी ड्रॉ करोगे, ऐसे खड़ी हुई स्टैंडिंग लाइन जो होती है ना सीधी, इस तरह से आप ड्रॉ करोगे. अगर मैं कहूँगा आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो तो आप कैसी लाइन ड्रॉ करोगे, ऐसी. ठीक है, लेफ्ट टू राइट. तो जब भी वर्टिकल की बात होती है तो हम इस तरह से देखते हैं, जब हॉरिजॉन्टल की बात होती है तो इस तरह से देखते हैं. ठीक है, अगर मैं आपको कहूँगा 5 से वर्टिकली नंबर्स को पढ़ो तो आप कैसे पढ़ोगे, 5, 15, 25, 35, 45. अगर मैं आपको कहूँगा 5 से हॉरिजॉन्टली पढ़ो तो कैसे पढ़ोगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो ये तो बच्चों होता है हॉरिजॉन्टल और ये होता है वर्टिकल. ठीक है, तो ये दो टर्म्स आपको अच्छे से आनी चाहिए कि वर्टिकल किसको बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल किसको बोलते हैं. ठीक है बच्चों, अब आते हैं आपके इस क्वेश्चन पर. क्वेश्चन क्या है, एट द फॉलोइंग बाय यूजिंग द हंड्रेड चार्ट. इस बार भी हमको ऐड करना है, लेकिन इस बार जो है हमें कौन से चार्ट का यूज़ लेना है, हंड्रेड्स चार्ट का. ठीक है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बच्चों हंड्रेड्स का चार्ट ऐसा होता है वन से लेके हंड्रेड तक, जैसे आपने सांप सीढ़ी स्नेक एंड लैडर्स में देखा होगा. अच्छा बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हमने क्या किया था, नंबर्स को स्प्लिट किया था. ठीक है, इसमें हमने देखी थी मेथड टू जिसमें हम सिर्फ एक ही नंबर को स्प्लिट करते हैं. ठीक है, तो आप चाहें तो बाकी क्वेश्चन को भी रफ कॉपी में एक ही नंबर को स्प्लिट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है, और ज़रूर कीजिएगा, इससे आपका क्या है मैथमेटिक्स भी स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि आप मन में ही काउंट करना फिर सीख जाएंगे. ठीक है, अब बच्चों सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें स्प्लिट नहीं करना है, इसमें हमें क्या करना है, हंड्रेड्स के चार्ट का यूज़ करना है. हंड्रेड्स का चार्ट क्या होता है, ये वन से लेकर हंड्रेड तक काउंटिंग. ठीक है, कैसे करना है, ये आता है बच्चों आपको मैथड फोर जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था. मैथड फोर, इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले तो एक ही नंबर को स्प्लिट करेंगे, जैसा हमने यहाँ पे मेथड टू में किया था, एक ही नंबर को. आपकी मर्जी है, आप चाहे 56 को स्प्लिट करें चाहे 13 को स्प्लिट करें, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि हमेशा छोटे नंबर को ही स्प्लिट करें. उसका कारण क्या है, छोटे नंबर को हम स्प्लिट करते हैं तो हमें काउंटिंग भी कम करनी पड़ती है. जैसे 13 है तो 13 तक ही काउंटिंग करनी पड़ेगी. ठीक है, क्योंकि अगर आप 56 में 13 प्लस करोगे तो बहुत ईजी रहेगा, 13 में फिर 56 प्लस करोगे आंसर तो सेम आएगा लेकिन फिर 56 हमको काउंट करना पड़ेगा. ठीक है, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं हमें काउंट कम करना पड़े, तो 13 तक ही हम जो है स्मॉल नंबर को लेंगे. ठीक है बच्चों, अब बात आती है हंड्रेड्स के चार्ट में प्लस कैसे करते हैं, प्लस कैसे करते हैं. तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, स्प्लिट द सेकंड नंबर इनटू टेंस. ठीक है, वही प्लेस वैल्यू चार्ट बना के टेंस की फॉर्म में उसको स्प्लिट कर लो. अगर 36 है तो 30 को हम कैसे ले सकते हैं, 10 प्लस 10 प्लस 10, तीन बार 10 को प्लस करेंगे तो क्या आता है, 30 आता है, और 30 प्लस 6. ठीक है, तो कुल मिला के 36 लिखा हुआ है तो आपको कैसे लिखना है, ऐसे स्प्लिट कर देना है 30 प्लस 6. ठीक है, फिर कीप एडिंग 10 एट अ टाइम टू द फर्स्ट नंबर. ठीक है, एक एक करके 10 ऐड करेंगे हम, जैसे 43 में हमको 30 प्लस करना है. ठीक है, क्वेश्चन था हमारा, एग्जांपल का क्वेश्चन था ना हमारा लास्ट क्लास में, हम कर रहे थे 43 प्लस 36. तो हमने क्या किया, छोटा नंबर को लिया, छोटा नंबर क्या है 36. ठीक है, 43 से छोटा है, छोटे नंबर को स्प्लिट करो ताकि हमें कम ही काउंट करना पड़े. ठीक है, तो 36 हम लेंगे. अब 36 में भी 30 प्लस 6 ऐसे स्प्लिट करते हैं हम, तो इसका मतलब एक बार हमें 43 में 30 प्लस करना है, फिर जो आंसर आएगा 73 उसमें कितना प्लस करना है, 6 प्लस करना है. 30 भी प्लस करना है, 6 भी प्लस करना है, क्योंकि टोटल कितना प्लस करना है हमको, 36 प्लस करना है. ठीक है, तो 43 में पहले 30 प्लस करेंगे. 30 प्लस करते समय बच्चों हम कैसे जाते हैं, वर्टिकली. जब भी आपको 10 प्लस करना है, कितना प्लस करना है, 10, तो आप कैसे जाओगे, वर्टिकली, मतलब डायरेक्ट यहाँ पे जंप लगाओगे. ऐसा क्यों होता है बच्चों, इसलिए होता है क्योंकि जैसे आपको 10 प्लस करना है तो कैसे प्लस करोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 नंबर आगे जाएंगे जब हमको 10 प्लस करना होता है, तो हम बार बार इतना चल रहे हैं लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट, तो क्यों ना हम एक रूल बना लें. क्या रूल बनाएं, कि जब भी हमको 10 चलना होगा तो हमको एक ट्रिक आ गई है, क्या, डायरेक्ट नीचे कूद जाओ.
डायरेक्ट नीचे जंप कर लो। तो 43 में 10 प्लस करेंगे तो हमें पता है ऐसे करेंगे तो भी यहीं पे आने वाले हैं। तो जब भी 10 प्लस करते हैं, केवल जब 10 प्लस करते हैं तो हम ऐसे कूद जाते हैं नीचे, तो 10 प्लस हो जाता है। मतलब 43 प्लस 10 कितना आएगा, 53। फिर 53 में 10 प्लस करेंगे तो 63। फिर 63 में 10 प्लस करेंगे तो 73। तो जब भी हमको किसी भी नंबर में 10 प्लस करना है तो हमें जस्ट जंप करना है। कितना प्लस करना है यहाँ पे, 30। तो तीन बार जंप करेंगे, 10, 20, 30, 53, 63, 73। ठीक है। और जब बात आती है वंस वाले नंबर की तो हम कैसे चलते हैं, लेफ्ट टू राइट। अब हमें कितना और चलना है, 6 और चलना है। तो 6 कैसे चलेंगे, 73 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे आया 6, यहीं पे रुक जाओ, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो दो चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है। छोटे वाले नंबर को पहले स्प्लिट कर लो, जो बहुत ईजी है प्लेस वैल्यू चार्ट के थ्रू। फिर आपको ये पता लग जाता है कि मुझे टेंस में कितना चलना है। जब भी हमको टेंस में चलना होता है तो हम वर्टिकली चलते हैं, मतलब एक के नीचे एक। 10 चलना होता है तो एक नीचे, 20 चलना होता है तो दो नीचे, 30 चलना होता है तो तीन नीचे, ऐसे 40, 50, 60। ठीक है। और अगर हमको वंस वाला नंबर चलना होता है तो हम कैसे चलते हैं, वहीं से लेफ्ट टू राइट चलते हैं। ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, आपको सबसे पहले इस तरह से चार्ट बना लेना है 100 नंबर वाला। ठीक है। 100 नंबर का चार्ट बनाने के बाद एक ही बार बनाना है बच्चों आपको 100 नंबर तक। ठीक है। इसी का यूज़ करके हम आंसर डिराइव करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 56 प्लस 13। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा बच्चों कि 56 और 13 में छोटा कौन है, 13 छोटा है। तो सबसे पहले तो आपको 13 को स्प्लिट करना है। स्प्लिट मतलब वही वंस और टेंस लिख के। ठीक है। वंस और टेंस लिख के आपको क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो मतलब 1 को 10 से मल्टीप्लाई करना है और फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो 1 10 जा 10 आएगा, 10 1 जा 10 या 1 10 जा 10 एक ही बात है, और 3 1 जा 3 आएगा। ठीक है। कुल मिला के हमको ये पता लग गया कि एक बार तो हमें 56 में कितना प्लस करना है, 10 प्लस करना है, और फिर जो आंसर आएगा उसमें और कितना प्लस करना है हमको, 3। मतलब जो रिजल्ट आएगा 10 प्लस करने के बाद तो उसमें और कितना प्लस करना है हमको, 3। तो कुल मिला के हमको 10 भी प्लस करना है और 3 भी प्लस करना है। ठीक है। तो अगर 100 वाले चार्ट की हम बात करें तो सबसे पहले मुझे 56 को ढूंढना है क्योंकि मुझे 56 में ही प्लस करना है। तो इस 100 वाले चार्ट में 56 कहाँ मिलेगा मुझे, इस 50 वाली लाइन में, यहाँ पे। ठीक है। 56 मिल गया, उसके बाद हमको सिर्फ क्या क्या प्लस करना है, 10। तो टेंस वाला जब हम प्लस करते हैं तो कैसे जाते हैं, वर्टिकली, मतलब एक के नीचे एक। और जब वंस वाला प्लस करते हैं तो कैसे जाते हैं, हॉरिजॉन्टली, मतलब लेफ्ट टू राइट। तो पहले तो हम 56 में 10 प्लस कर देंगे क्योंकि यहाँ पे 10 आया था हमारा। ठीक है। तो 56 में पहले प्लस करेंगे 10, मतलब नीचे आएंगे ऐसे। ठीक है। ऐसे नीचे क्यों आते हैं, क्योंकि हम ऐसे अगर काउंट करें तो भी यहीं पहुँचेंगे हम। कैसे, 1, अगर हम ऐसे चलेंगे हॉरिजॉन्टली तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहीं पे आए। तो इतना टाइम वेस्ट क्यों करें, जब भी हमको 10 प्लस करना होता है हम डायरेक्ट नीचे कूद जाते हैं तो हमको पता लग जाता है हमने 10 प्लस कर लिया है। ठीक है। तो आप एक सीढ़ी नीचे आ जाओगे। ठीक है। तो 56 से 66 पे आप आ जाओगे। ठीक है। अब बच्चों टेंस वाले सारे नंबर प्लस हो गए, सिर्फ यहाँ पे 10 ही था। अगर 20 होता तो और नीचे जाते, लेकिन 10 ही है इसलिए हम यहीं रुक जाएंगे, क्योंकि अब हमें कौन सा प्लस करना है, वंस वाला, जो क्या है, 3। तो 3 चलना है, तो वंस वाला कैसे चलते हैं, हम हॉरिजॉन्टली, मतलब यहाँ से 3 काउंट करेंगे, 1, 2, 3, कहाँ पे आए हम, 69 पे, बस। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हम लिख देंगे 56 प्लस 13 इज इक्वल्स टू 69 आंसर। ठीक है। जब ये टॉपिक शुरू किया था बच्चों हमने, तो मैंने आपसे कहा था कि अब हम मन में भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है। तो अब ये चीज़ आपके मन में काउंट करनी है आपको, जब कोई आपसे अगर पूछे जल्दी से पकड़ के बताओ, मन में काउंट करके बताओ 56 प्लस 13 कितना होता है। तो 56 में आप पहले 10 प्लस कर लो, क्योंकि आपको ये तो पता है 13 कैसे बनता है, 10 में 3 प्लस करके, 10 में अगर आप 3 प्लस करोगे तो 13 बन जाएगा। तो हमने प्लेस वैल्यू की हेल्प से इन दोनों को इस तरह से स्प्लिट कर लिया, इस नंबर को 13 को क्या लिख दिया, 10 प्लस 3। तो आपको पता है मुझे एक बार तो 56 में 10 प्लस करना है, तो 56 में 10 प्लस करेंगे तो 66। ठीक है। फटाफट से आ जाएगा आपके पास 66। ठीक है। और उसके बाद हमें सिर्फ कितना प्लस करना है, 3। तो 1, 2, 3 और 66 के बाद काउंटिंग बोल लो, 67, 68, 69। तो आप फटाफट से बच्चों मन में ही काउंट करके इसको बता सकते हो।
ठीक है। तो आज हम इतना फर्स्ट क्वेश्चन तक ही करेंगे, ठीक है। इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ईजी है। कोशिश कीजिए इस 100 के चार्ट की भी हमको जरूरत ना पड़े, हम डायरेक्ट मन में ही काउंट करके निकाल सकें। वो तो एक क्वेश्चन है, हमको इस चार्ट को यूज़ करना है, इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो कुछ टाइम मैं आपको देता हूँ बच्चों, ये आप कॉपी कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। पॉज, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, उसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। और ख़ुद से बच्चों आप घर पे भी प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे ही करेंगे। 100 का चार्ट बना के 56 में प्लस करना है, तो 56 ढूंढो पहले, तो फिर 13 प्लस करना है। 13 का मतलब क्या होता है, 10 + 3। तो 10 जब भी प्लस करते हैं तो नीचे हम वर्टिकली चलते हैं, और जब वंस वाले नंबर प्लस करते हैं तो हॉरिजॉन्टली चलते हैं। तो 56 में पहले 10 प्लस कर लिया, 66 आ गया, और 66 में फिर ये 3 प्लस कर लिया। तो 66 के बाद 3 काउंट करेंगे, 1 2 3, तो हम कहाँ पर आए, 69 पर आ गए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे बच्चों। इन आवर नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर, सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आप नोट डाउन करके रखना, विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। सो टिल देन, गुड बाय ऑफ यू।